हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मेरे के नोडो पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और आप यहाँ पे एयरटेल का सिम चालू करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की स्टूडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको कभी भी किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा और आपको इस प्रकार का वीडियो जो है कभी भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और आप यहाँ पे एयरटेल का नया सिम चालू करते हो या फिर आप यहाँ पे एयरटेल का एमएनपी करते हो और एमएनपी करते वक्त या फिर आप यहाँ पे नया सिम चालू करते वक्त अगर आप यहाँ पे एयरटेल का एफआरसी नहीं करते हो, सिम चालू करते वक्त यहाँ पर किसी दूसरे रिटेलर ने यहाँ पर एफआरसी कर दिया है तो यहाँ पर कमीशन किसको मिलेगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कमीशन मिलेगा वो यहाँ पर दोनों को मिलेगा। वो कैसे, वो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर दोनों को कमीशन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है रिटेलर जो यहाँ पर एक्टिवेशन करेंगे या फिर जो रिटेलर यहां पर एमएनपी का एफआरसी करेंगे या फिर यहां पर नया सिम चालू करने का यहां पर एफआरसी करेंगे, तो यहां पर जो है दोनों को यहां पर कमीशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, यहां पर जो है एयरटेल का यहां पर दो भागों में यहां पर कमीशन को बांटा गया है। पहला जो यहां पर है सिम एक्टिवेशन का और यहां पर दूसरा जो है एफआरसी का। तो यहां पर जो रिटेलर भाई यहां पर जो एफआरसी करेंगे यानी कि सिम चालू करने के बाद यानी कि जो एफआरसी होता है, अगर यहां पर वो रिटेलर भाई यहां पर एफआरसी करते हैं तो यहां पर एफआरसी का जो रिटेलर भाई एफआरसी करेंगे उनको यहां पर एफआरसी का कमीशन मिलेगा, यानी कि एफआरसी का जो ओटीएफ कमीशन होता है वो उनको मिलेगा जो एफआरसी करेंगे, और साथ ही साथ जो तीन दिन बाद जो बैक पे आउट होता है वो भी उन्हीं को मिलेगा जो यहां पर एयरटेल का सिम कार्ड का जो एफआरसी करेंगे, उन्हीं को यहां पर बैक पे आउट भी मिलेगा, यानी कि ओटीएफ भी उन्हीं को मिलेगा और बैक पे आउट भी उन्हीं को मिलेगा। तो यहां पर जो है जो नया रिटेलर जो यहां पर नया सिम चालू करेंगे या फिर यहां पर जो पुराना रिटेलर है वो नया सिम चालू करते हैं तो उनको यहां पर क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स, यहां पर उनको जो मिलेगा वहां पर जो एक्टिवेशन टारगेट होता है यानी कि जो मंथली स्कीम के तहत जो एक्टिवेशन टारगेट यहां पर वो पूरा करेंगे उनको यहां पर एक्टिवेशन टारगेट के हिसाब से यहां पर कमीशन मिलेगा, यानी कि अगर वो मंथ में अचीव कर लेते हैं अपना टारगेट स्लैब को यहां पर अचीव कर लेते हैं तो हर एक एमएनपी या फिर हर एक एक्टिवेशन के पीछे जो स्कीम के तहत यहां पर कमीशन दिया जा रहा होगा वो यहां पर कमीशन मिलेगा, और यहां पर और कोई भी ऐसा कमीशन उनको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मिलेगा कमीशन वो सिर्फ यहां पर एफआरसी करने को वाले को मिलेगा और यहां पर जो उनको मिलेगा वो सिर्फ यहां पर एक्टिवेशन टारगेट पूरा करने वाले को, यानी कि यहां पर जो सिम चालू करेंगे उनको सिर्फ एक्टिवेशन टारगेट के पीछे यहां पर कमीशन देखने को मिलेगा, और जो एफआरसी करेंगे उनको यहां पर ओटीएफ और पे आउट भी दोनों को मिलेगा उन्हीं को जो एफआरसी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मेरे एक न्यू रिटेलर भाई या फिर जो ओल्ड रिटेलर भाई हैं उन्होंने ये क्वेश्चन को किया था, मेरे को कमेंट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे रिटेलर भाई होते हैं जो यहाँ पर एयरटेल का एक्टिवेशन करते हैं या फिर यहाँ पर एयरटेल का एमएनपी करते हैं और वो एफआरसी करना यहाँ पर भूल जाते हैं या फिर वो जानबूझकर यहाँ पर एफआरसी नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, सब जानकारी देना था, इसीलिए जो है मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चल सके अगर आप यहाँ पे एयरटेल का सिम चालू करते हो या फिर एमएनपी करते हो और यहाँ पर एफआरसी नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ और रिटेलर भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप इस तरीके का इंफॉर्मेटिव टेलीकॉम से जुड़ी नॉलेजफुल वीडियो यहां पर रोजाना देख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।